हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स प्लेलिस्ट की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको अपनी वीडियोस प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड अपलोड करनी चाहिए, ना कि डायरेक्टली पब्लिक करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको ले जा चलता हूँ यूट्यूब के ऑफिशियल हेल्प पेज पर, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि अपलोड एज अनलिस्टेड टू चेक मोनेटाइजेशन स्टेटस। तो इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, उस टाइम पे यूट्यूब अपने ऑटोमेटेड सिस्टम्स के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू ये चेक करता है कि आपकी वीडियो का जो कंटेंट है या फिर उसका मेटा डेटा है, एडवर्टाइजर फ्रेंडली गाइडलाइंस को फॉलो करता है या नहीं है। तो आप उस केस में देखेंगे, अगर आपने वीडियो रिसेंटली अपलोड की होगी, जस्ट उस टाइम पे देखेंगे, तो ये जो स्टेटस होगा यहाँ पर मोनेटाइजेशन के नीचे, ये चेकिंग दिखाएगा उस टाइम पे। और जब वो चेकिंग स्टेटस खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपके ये मोनेटाइजेशन स्टेटस फिर से अपडेट होगा, जो कि ग्रीन होगा या फिर येलो होगा या फिर रेड होगा। जब ये चेकिंग करता है यूट्यूब, उस प्रोसेस को ऑन एन एवरेज इट टेक्स लेस देन 20 मिनट्स, पर किसी केसेस में ये 1 घंटा भी लग सकता है यूट्यूब को। वो तब होता है कि अगर आपने अपने टैग्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह स्किप की हैं, या फिर अपने टाइटल्स इतने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं डाले, तो कंटेंट के थ्रू वो देखना चाहता है कि आपने जो आपकी वीडियो है उसको एडवर्टाइजर फ्रेंडली गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाया है या नहीं बनाया है। तो उस केसेस में वो ज्यादा टाइम ले सकता है, पर इट टेक्स लेस देन 20 मिनट्स एक्चुअली। पर जब ये स्टेटस चेकिंग होता है, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस टाइम पे आपकी वीडियो पे कोई एड विजिबल नहीं होती। तो ये उन लोगों के लिए, उन क्रिएटर्स के लिए बहुत काम की चीज़ है, कि इनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, कि जब वो वीडियो अपलोड करते हैं, उनकी नोटिफिकेशन जब उनकी सब्सक्राइबर्स के पास जाती हैं, तो वो डायरेक्टली देखने के लिए आपकी वीडियोस आ जाते हैं उसी टाइम पे। और अनलकीली अगर आपका स्टेटस उस टाइम पे चेकिंग स्टेट में था, तो आपकी वीडियोस पे जो भी व्यूज हुए होंगे उस टाइम पे, उन वीडियोस के व्यूज पे कोई एड विजिबल नहीं रही होगी, ये गारंटेड बात है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी टिप है कि आप पहले अपनी वीडियो को प्राइवेट सेट करें या फिर अनलिस्टेड सेट करें, टिल द टाइम वो स्टेटस चेकिंग में है। चेकिंग के बाद अपडेट हो जाता है स्टेटस, उसके बाद अपनी वीडियो को पब्लिक करें। एक और चीज इसमें ये है, कई केसेस में क्या होता है कि अगर यूट्यूब के ऑटोमेटेड सिस्टम ने ये डिटेक्ट किया कि आपकी जो कंटेंट या फिर मेटा डेटा था वो एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं था, तो उस केस में जब वो चेकिंग स्टेटस के बाद आपका अपडेट करके येलो डॉलर मार्क दिखाता है, और उस केस में भी आपकी वीडियो पे एड्स विजिबल नहीं होती। रेड में तो बिल्कुल ही विजिबल नहीं होती, वो इनएलिजिबल होती है कि आपकी वीडियो पे कभी एड आएगी ही नहीं। अगर येलो डॉलर मार्क है, तो उसका मतलब यही होता है कि आपके वीडियो पे करंटली एड नहीं आएगी। पर उस येलो डॉलर मार्क को ग्रीन डॉलर मार्क में कन्वर्ट किया जा सकता है मैनुअल रिव्यू के थ्रू। वो कैसे करते हैं, वो मैंने एक पूरी वीडियो में बताया है। आप आई गब बटन पे क्लिक करेंगे तो आप वो देख सकते हैं, और वो 90% केसेस में रिजोल्व हो जाता है। येलो डॉलर मार्क कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन में, अगर वो मैनुअली रिव्यू करके डिसाइड कर लेते हैं हाँ आप सही कह रहे थे। तो आपके लिए ये भी एक टिप है कि आप वेट करें, अपनी वीडियो को प्राइवेट करें या फिर अनलिस्टेड करें, और अगर येलो डॉलर मार्क आता है तो रिक्वेस्ट फॉर ह्यूमन रिव्यू करें, अगर आप बहुत श्योर हैं कि आपने फॉलो किए हैं गाइडलाइंस। और 90% केसेस में जब वो रिजोल्व होकर वापस ग्रीन हो जाएगा, और उसके बाद आप अपनी वीडियो को पब्लिक करें, तो इससे आप अपना मैक्सिमाइज कर सकते हैं रेवेन्यू। इसकी जो ऑफिशियल चीज है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मैं यहां पर भी दिखा देता हूं। यहां पर इन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग दिस टाइम नो एड्स आर शोन। तो ये मैंने आपको सबसे पहले बताया कि उस टाइम पे कोई एड्स विजिबल नहीं रहेंगे, जब तक वो चेकिंग स्टेट में होता है। ये स्टेट में होएगा जब, तब कोई एड विजिबल नहीं होगी, तो आपका वो जो रेवेन्यू होगा उस टाइम पे जनरेट नहीं हो पाएगा। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्यों आपको अपनी वीडियो एज प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड अपलोड करनी चाहिए, ना कि डायरेक्टली पब्लिक करनी चाहिए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे चैनल को, सो दैट आपको और ऐसा कंटेंट मैं शेयर करता रहूं और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय बाय।